नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। पीएम मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और पीएम शेख हसीना ने लिया हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का 55 साल बाद किया उद्घाटन। सीनियर सिटीजन को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। एयर इंडिया फ्लाइट में अब लगेगा हाफ टिकट। जालौन संजय भदौरिया ने बीजेपी छोड़ थामा बीएसपी का दामन। साथ में 200 कार्यकर्ताओं ने भी थामा बीएसपी का साथ। राम मंदिर के लिए 15 जनवरी से जुटाया जाएगा चंदा। 10, 100 और 1000 रुपए के होंगे कूपन। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बन चुकी है एसपी बीएसपी और कांग्रेस। राम मंदिर के लिए प्रत्येक राम भक्त का लिया जाएगा सहयोग। चंदे के लिए वीएचपी पूरे देश में चलाएगा अभियान। 17 दिसंबर चुनाव आयोग ने अगले 7 अप्रैल मई में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरू। अधिकारी कुछ दिनों में पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। दुश्मन पर रहेगी पैनी नजर। डीआरडीओ बना रहा 6 नए निगरानी विमान। चीन और पाकिस्तान से जारी गतिरोध के चलते भारत की सीमाओं पर होंगे तैनात। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में हुआ फेरबदल। जस्टिस मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश। किसान आंदोलन के बीच महंगाई की मार। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में हुआ इजाफा। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 40 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या पहुंची 37,622 के पार। बंगाल ममता बनर्जी को बड़ा झटका। शुभेंद्र अधिकारी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय का बनाया गया मुख्य न्यायाधीश। दर परिवर्तन पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में फर्जी नियुक्तियों को लेकर योगी सरकार की सख्ती। 15 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का जारी किया नोटिस। जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे का नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एनसीआर में दिल्ली और गाजियाबाद के बाद जेवर होगा तीसरा एयरपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर की आत्महत्या। ट्रैक्टर का लोन न चुका पाने के वो लेकर था परेशान। असम में एक मारुति कार डीलर ने पुरानी कार को पेंट कराने के बाद शोरूम ग्राहक को बेचा। ग्राहक की शिकायत, फिर हुआ खुलासा। वाराणसी के चौबेपुर से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जर्मनी ने लगाया कड़ा लॉकडाउन। स्कूल और गैर जरूरी कारोबार किए गए बंद। नाइजीरिया खौफनाक आतंकी संगठन बोको हराम ने मचाया आतंक। चिबोक इलाके में एक स्कूल पर बोला धावा, अगवा कर लिए 300 छात्र। माँ बाप के कहने पर 6 साल के बच्चे ने 67 लाख रुपए की कीमत वाले 18 कैरेट सोने की घड़ी को चुराया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमल हैरिस के शपथ समारोह का आयोजन करने वाली समिति ने लोगों से की अपील। कोरोना वायरस के मद्देनजर ना हो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।